ऐसा ही नजारा देखने मिलेगा। वैशाली रेखवार जी आई है कोठारी ज्वेलर्स में, जो इंडियन आइडल की गायक रही ना वो आई हुई। भाई ये कटंगा चौराहे में देखो कितना बड़ा झंडा। मॉर्निंग, मेरा नाम है सुशांत पीटर, आज है 15 अगस्त और आप सभी को मेरी तरफ से आजादी के 75 साल मुबारक हो। आज जबलपुर में बारिश हो रही है, लेकिन बारिश हो, आंधी आए, चाहे तूफान आ जाए, जबलपुर में धूमधाम से आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। पूरी जबलपुर की जनता, वैसे तो पूरे इंडिया में, पूरे हमारे देश में बहुत ही धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ जबलपुर में, यहाँ पे कैसा जश्न मनाया जा रहा है सब आज आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। जगह जगह तिरंगा झंडे, चौराहों में सजावट। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और चलते हैं, थोड़ा देखते हैं, और मेरा काम भी होता जाएगा साथ में, और आप लोगों को जबलपुर के बहुत अच्छे अच्छे नजारे भी दिखा दूंगा। तो गाइस ये देख लो बारिश बारिश हो रही है सुबह से, 15 अगस्त की बारिश। ये देख लो रोडे खाली है अभी, लेकिन गाइस अभी आपको मैं दिखाऊंगा धूमधाम। ये सात्री ब्रिज साइड चल रहे हैं हम सीधे। ए भाई साहब ने ट्रैफिक लगा दिया, हर गाड़ी में हर जगह आप लोगों को तिरंगा झंडा मिल जाएगा हमारे जबलपुर, क्या पूरे इंडिया में। बारिश भी बहुत तेज हो गई है, 10:26 हुआ है अभी। छोटी लाइन में देख सकते हैं आप लोग कितने सारे झंडे लगे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे ऐसी लाइटिंग की गई है ना, जो रात में जलती है ना तो बहुत शानदार लगती है। छोटी लाइन फाटक है ये, पीले झंडे क्यों लगे अब ये नहीं पता। पूरे मार्केट में हर जगह तिरंगा झंडा लहरा रहा है। दोस्तों आज ना जबलपुर में तिरंगा तिरंगा पूरे चारों तरफ देख के ना बहुत ही शानदार मजा आ रहा है। दोस्तों रात में ये सब जुलूस की तैयारी भी चल रही, डीजे वीजे सब खड़े हैं तैयार, रात में शायद निकले जुलूस। ये देख सकते हैं आप लोग लेफ्ट साइड में। दोस्तों ये ग्वारी घाट नर्मदा जी वाली रोड है। भाई ये कटंगा चौराहे में देखो कितना बड़ा झंडा लगाया गया है, बहुत ही शानदार नजारा दिख रहा है। तो मैं जा रहा हूँ अभी सदर, सदर से एक फोन आया था, एक दोस्त ने फोन करके बताया इंडियन आइडल की कोई गायिका है वो आई हुई है सदर में, उनकी दुकान में कोठारी ज्वेलर्स में, वहाँ पे मेरा दोस्त जॉब करता है, तो वहीं जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या नजारा देखने मिलता है वहाँ पे। चौराहे देखो कैसे सजे हैं, फुग्गे से सजे हैं यहाँ। बारिश भी आज ही होना था, देखो बारिश तो बहुत तेज हो गई। ये पेट्रोल पंप देखो सदर वाला क्या सजा है। दोस्तों सदर में बहुत भीड़ नजर आ रही है मुझे। तो गाइस बारिश और तेज हो गई और यहाँ पे देखो झंडे ही झंडे नजर आ रहे हैं। आगे है गाइस कोठारी ज्वेलर्स, देखते हैं कहाँ पे हो रहा है कार्यक्रम। तो गाइस ये लेफ्ट साइड में देख रहे हैं यहीं पे आई हैं वो कोई गायिका हैं। गाड़ियाँ खड़ी हो गई, लेकिन यहाँ पे देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ दिख जाए, बारिश तो बहुत हो रही है, छाता भी नहीं है। खड़ी है वो वैशाली रेखवार, वैशाली रेखवार जी आई है कोठारी ज्वेलर्स में। ट्रैफिक भी लग गया, मैं भी फंस गया हूँ, गाना तो गा रही है वो स्टेज में खड़े होके, देखो दिख रहा होगा आपको। तो इतनी तेज बारिश में उनका शो चल रहा है, लेकिन पब्लिक कहाँ से आएगी, पूरी बारिश हो रही ना, गाड़ी खड़ी करने की जगह है ना खुद खड़े होने की जगह है। तो बस ऐसी थोड़ी सी झलक दिखा दिया मैंने आप लोगों को। वैशाली रेखवार जो इंडियन आइडल की गायक रही ना वो आई हुई है यहाँ। यार भाई साहब भीग रहे हैं, लेकिन झंडा लहरा रहा है इनका बहुत स्पीड से, देखो। दोस्तों पानी ने सब बिगाड़ दिया कि अच्छा किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे तो बारिश होना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों मुझे तो ये लगता है कि आज जितने भी प्रोग्राम होने होंगे ना ग्राउंडों में, सब कैंसिल ना हो गए हो, क्योंकि बारिश इतनी तेज हो रही है। गाइस मैं भी आ गया हूँ टिंटिन के यहाँ, और चलिए बारिश बंद होने का वेट करते हैं और फिर देखते हैं। काफी जुलूस निकलेंगे आज, तो बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं, रैली निकलेंगी आज जबलपुर से, धूमधाम से मनाया जाएगा 76वीं सालगिरह। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, तो आप सभी जानते हैं कि 75 साल पहले हम ऐसे जैसे घूम रहे हैं ना खुलेआम, तरह नहीं घूम सकते थे, ना किसी से बात कर सकते रहे, ना ही अपने मन से कुछ कर सकते रहे। तो हमें गर्व होना चाहिए दोस्तों कि आज हम अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी फोन लगा सकते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आज बारिश बंद हो जाए फिर देखते हैं कैसा क्या माहौल रहता है। दोस्तों अब भी हुई है बारिश बंद और मैं हूँ अभी भंवरताल गार्डन के पास, बिल्कुल खाली पड़ा है, बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है। बारिश क्योंकि अभी बंद हुई है तो शायद लोग निकले अभी थोड़ी देर बाद। दोस्तों चलिए चलते हैं ज्योति टॉकीज साइड और वहाँ पे देखते हैं, बहुत बड़ा चौराहा है ज्योति टॉकीज का, वहाँ पे देखते हैं क्या कैसा क्या प्रोग्राम चल रहा है, क्या हो रहा है, चलते हैं। ज्योति टॉकीज इतना बड़ा बन रहा है यहाँ से दिख रहा है, भंवरताल गार्डन के साइड से भी इसका नजारा देखो। गाइस ये रसल चौक है और अभी देखना पब्लिक पूरी निकल रही है धीरे धीरे। ये दिख रहा है ज्योति टॉकीज का चौराहा, ये बन रही है हमारी ज्योति टॉकीज, यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है गाइस उस साइड। ये देखो ये झंडा यात्रा निकल रही है ज्योति टॉकीज से। पानी बंद हो गया ना गाइस, अब तो धूमधाम मचेंगे, धूमधाम। बहुत धूमधाम से बनाएंगे आज तो आजादी का जश्न, ऐसा ही नजारा देखने मिलेगा। तो दोस्तों ये ज्योति टॉकीज देख लो, किसी ने कमेंट करा था। दोस्तों पानी बंद हो गया ना, अब इसी तरीके से जुलूस निकलेगा जबलपुर में धूमधाम से। पानी नहीं भी बंद होता तो भी निकलता। तो गाइस ये है सिविक सेंटर, यहाँ पे हर साल 26 जनवरी को भी झंडा फहरता है।
तो गाइस थोड़ा जबलपुर के सिविक सेंटर का भी नजारा देख लेते हैं, जहाँ पे बना है समदड़िया मॉल। एक राउंड मारते हैं जरा क्या है यहाँ का माहौल। अभी तो फिलहाल खाली खाली दिख रहा है, यहाँ भी झंडा फहर चुका है, सुबह सुबह अक्से लगे गाना बज रहा है समदड़िया मॉल। तो बीच रोड में झंडा फहराया गया है चौराहे में। सिविक सेंटर का एक राउंड ले रहे हैं। दोस्तों मुझे सुनने में आया आज कहीं जबलपुर में लाइट वाला शो होगा, तो हो सकता है मैं जाऊं और आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा, बहुत ही मजा आने वाला। गाइस पानी देख रहे हो ना, पानी तो बंद ही नहीं हुआ है, थोड़ी देर के लिए बंद हुआ रहा फिर गिरना चालू हो गया। दोस्तों सुबह से अभी तक का नजारा कुछ ऐसा था, 3 बज गए हैं और अभी लाइट शो बाकी है। वहां जाता हूं मैं तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा, लेकिन मुझे अभी तक यही नहीं पता है कि लाइट शो होने कहां वाला है। अभी जहां मैं जॉब करता हूं वहां से खबर आई है लाइट शो देखने जाना है, कहीं भी जाइएगा मत गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर से। तो गाइस ऐसा था कुछ जबलपुर में 15 अगस्त की धूमधाम का नजारा, जो कि बारिश ने तो थोड़ा काम खराब कर दिया सब। और गाइस जो लाइट शो देखने जाने वाले थे ना, वो असल में लाइट शो नहीं था, वो जैसे छोटी लाइन चौराहा हो गया, शास्त्री ब्रिज हो गया, वहां पे लाइटें लगी थी तिरंगा झंडे टाइप की, तो वही देखने जाना था, फिर जाना कैंसिल हो गया क्योंकि रात भर पानी इतना गिर रहा था। तो गाइस यही था, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्दी, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और जय हिंद।